नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के YouTube चैनल ब्रिजटेक में स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कंपटीशन एग्जाम के जो क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट क्वेश्चंस, उनकी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये ट्यूटोरियल है। वो ये वीडियो बड़े ही अच्छे से देखें और शुरू से लेके अंत तक देखें। एमपी पुलिस में क्वेश्चंस जो आते हैं उनके बारे में बात करता हूँ, और साथ में कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है ये। जितनी भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सब में ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, जो कि हमने क्वेश्चन दिया था लास्ट टाइम, हमने क्वेश्चन दिया था कि श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट में बताया है कि रुपया होता है, और वाकई में श्रीलंकन रुपया ही होता है। जैसे भारत की इंडियन भारतीय मुद्रा होती है, उसी तरह से भारतीय मुद्रा रुपी होती है, उसी तरह से श्रीलंका की मुद्रा भी श्रीलंकन मुद्रा यानी रुपया होता है। तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट आज के सेशन की। तो पहला क्वेश्चन है, क्या प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? जो प्रसिद्ध नाटक शकुंतला है उसे किसने लिखी थी? तो इसका उत्तर होगा महाकवि कालिदास। ठीक, महाकवि कालिदास ने शकुंतला लिखी थी। तो ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो ज्वार जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? ऐसा कौन सा राज्य है जो बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश। ठीक, खैबर दर्रा स्थित है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर होता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, जो कि खैबर दर्रा स्थित है, इन दोनों के बीच में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? ऐसी कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? उत्तर यमुना। यमुना ऐसी नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? कौन सा जो भारत में गंगा है, ठीक, उत्तर प्रदेश में, वो किसके तट, कौन सा शहर उसके तट पे बसा है? तो उत्तर होगा कानपुर। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या होता है? मतलब धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? तो भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। इसका उत्तर होता है भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी जिसे नेशनल हाईवे बोला जाता है, उसे वह जोड़ता है, मतलब किस काम के लिए ये बनाया जाता है? तो इसके उत्तर होगा व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को आपस में जोड़ने के लिए। जो राज्य की राजधानियां हैं, ठीक, उनको आपस में जोड़ने के लिए और व्यापार केंद्रों को, ठीक, तो इसके लिए नेशनल हाईवे बनाया जाता है। तो कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो अंगूर जहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है तो वह है नासिक, और साथ में प्याज की भी सबसे ज़्यादा पैदावार जो होती है वो नासिक में होती है। ठीक, तो आज हम लास्ट क्वेश्चन, कोयना बांध स्थित है, कोयना बांध कहाँ स्थित है? उत्तर होगा इसका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कोयना बांध स्थित है। तो दोस्तों आज हमने 10 क्वेश्चन देखे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनमें से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंसी देना है सभी क्वेश्चंस को, और सभी क्वेश्चंस शुरू से लेकर अंत तक देखना है, और सभी ट्यूटोरियल्स को आप देखिए, आपको बहुत ही मोस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हमारे कंपटीशन के लिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता थे, यानी भारत में जो राष्ट्रगान गाया जाता है, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग विधाता, तो ये पूरा जो कविता किसने लिखा है उस रचयिता का नाम आपको कमेंट सेक्शन में देना है और बताना है कि वो कौन है। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक जरूर करिएगा दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं। कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा और वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल ब्रिजटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियोज को, ताकि वो भी कंपटीशन की तैयारी करके कुछ अच्छे पद पर पहुँच सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आभार, जय।